मध्य प्रदेश के इंदौर में चार लड़कियों ने मिलकर एक लड़की को सरेआम बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप है कि मारपीट करने वाली लड़कियां नशे में धुत थी, जो आधी रात को LIC चौराहे पर एक लड़की को सड़क पर गिराकर लात घूंसों के साथ ही बेल्ट से बुरी तरह पीटती दिखी। इस दौरान पीड़ित लड़की चीखती चिल्लाती रही और आसपास मौजूद लोग उन्हें या तो चुपचाप देखते रहे या फिर उनका वीडियो बनाते रहे। इस दौरान पीड़ित लड़की के गुहार लगाने के बावजूद किसी का दिल नहीं पसीजा। मारपीट के बाद जब पीड़ित निडाल होकर गिर गई तो एक लड़की उसका मोबाइल फोन जमीन पर पटकती दिखी। इतनी मारपीट के बाद जब एक लड़की को गुस्सा आया तो उसने जमीन पर गिरी लड़की को फिर से मारना शुरू कर दिया और इसका साथ देने बाकी लड़कियां भी आ गई। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियों का धमाका जारी है और अब एक तीसरी चिट्ठी सामने आई, जिसमें उसने सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल से अपनी जान को खतरा बताया और अब तक जो भी आरोप लगाए उसकी CBI जांच की मांग को दोहराया। अपने वकील के जरिए उपराज्यपाल को 10 अक्टूबर को भेजी इस हाथ से लिखी चिट्ठी में सुकेश ने कई गंभीर आरोप लगाए। इस चिट्ठी के मुताबिक दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने उनसे 50 करोड़ रुपए लिए। ये रकम उन्होंने कैलाश गहलोत के असोला वाले फार्म हाउस पर ली, जो उन्हें 7 बार में दी गई, और ये रकम या तो उन्होंने मुझसे ली या फिर मेरे सेक्रेटरी गोपीनाथ से ली। सुकेश ने ये भी दावा किया कि 2019 में सत्येंद्र जैन के कहने पर उन्होंने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए उनके एसोसिएट चतुर्वेदी को दिए, जबकि सत्येंद्र जैन के ही कहने पर तिहाड़ जेल के तत्कालीन DG संदीप गोयल को मॉडल टाउन के हल्दीराम और सिविल लाइंस के BP पेट्रोल पंप पर 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। पेट्रोल पंप पर ये रकम कार नंबर DL1CAD3009 में दी गई, जिसकी मिलने की पुष्टि भी सत्येंद्र जैन से उन्होंने की। चिट्ठी में सुकेश ने इनके सबूत जांच एजेंसी को देने का वादा किया। अब सुकेश चंद्रशेखर को भले ही महाठग बताया गया, लेकिन एक के बाद एक तीन चिट्ठियों में उसने जिस तरह के खुलासे किए उससे सियासी गलियारों में सनसनी फैल गई। इन चिट्ठियों के सामने आने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि इसमें सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एक होटल में सत्येंद्र जैन के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात का दावा किया और आरोप लगाया कि डिनर पर हुई इस मुलाकात में उन्हें 50 करोड़ रुपए देने पर राज्यसभा भेजने का वादा किया गया। यही नहीं, दोनों नेताओं ने उसे दक्षिण भारत से करीब 30 ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने को कहा जो 500 करोड़ रुपए दे सके। थिएटर में टोटल 3 लोगों का नाम है, एक सत्येंद्र जैन साहब का नाम है, केजरीवाल साहब का नाम है और एक कैलाश गहलोत जी का नाम है। इनमें से ज्यादातर आरोप तो पुराने ही हैं, नया इतना भर है कि सुकेश अब सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल से अपनी जान को खतरा बताता दिखा। जेल के अंदर थ्रेट ज्यादा बढ़ गया है, प्रेशर इसके ऊपर बढ़ गया है इन चीजों को विड्रॉ करने का। सुकेश ने दावा किया कि 2017 में गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन उनसे जेल में भी मिले। और सुकेश चंद्रशेखर की तीसरी चिट्ठी सामने आते ही BJP हमलावर हो गई। सुकेश ने इस चिट्ठी में जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए उससे नगर निगम चुनाव के मुहाने पर खड़ी BJP की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। फिर तो BJP ने सुकेश चंद्रशेखर की उस मांग को दोहरा दिया जिसमें सभी आरोपों की जांच CBI से कराने की मांग की गई। CBI जांच होनी चाहिए और ऐसे जो जेल में कैदी हैं सत्येंद्र जैन, उनकी जेल को ट्रांसफर करके उत्तर प्रदेश या हरियाणा जाना चाहिए। BJP ने जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर जेल से ही उगाही रैकेट चलाने का आरोप लगाया। तिहार के अंदर या तिहार के बाहर आम आदमी पार्टी केवल करती है भ्रष्टाचार, उनका बन गया ये शिष्टाचार और जब होती इंक्वायरी तो चिल्लाते अत्याचार अत्याचार। T20 वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे श्रीलंका के क्रिकेटर धनुष्का गुणतिलका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रेप के आरोपों से घिरे गुणतिलका को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड सभी फॉर्मेट से सस्पेंड कर चुकी है, यानी अब गुणतिलका श्रीलंका की T20 वनडे और टेस्ट टीमों में किसी का भी हिस्सा नहीं होंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो मामले की निष्पक्ष जांच में सिडनी पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। इस बीच सिडनी की एक कोर्ट ने गुणतिलका को जमानत देने से भी इनकार कर दिया। धनुष्का गुणतिलका पर ऑस्ट्रेलिया की एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद 6 नवंबर को सिडनी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। धनुष्का गुणतिलका और पीड़ित महिला की जान पहचान एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, जिसके बाद 2 नवंबर को दोनों की पहली मुलाकात हुई और आरोप है कि 2 नवंबर को ही गुणतिलका ने उस महिला का रेप किया। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में BJP अध्यक्ष JP नड्डा की रैली में जबरदस्त भीड़ जुटी। राज्य में BJP के कई नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, जिसमें राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और JP नड्डा शामिल रहे। इस दौरान JP नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक राज करने के बावजूद कांग्रेस देश की पहचान दुनिया में नहीं बना पाई, यानी लोगों को गुमराह करने का भी तरीका अनेकों अनेक निकाल रखा।
वहीं बैजनाथ की चुनावी सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी वोट हासिल करने के लिए समान नागरिक संहिता की बात नहीं कर रही। समाज को बांट कर, समाज को तोड़ कर हम सरकार नहीं बनाना चाहेंगे मेरे बहनों भाइयों। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल के उना और मंडी में चुनाव प्रचार करने गए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। क्या फ्री में उपचार हो पाता? क्या फ्री में वैक्सीन मिल पाती? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में फिर से बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। हिमाचल के सोलन और मंडी के बाद आज प्रियंका गांधी ने ऊना में बीजेपी पर जमकर प्रहार किए, जिसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रैली करने हरोली के कांगड़ मैदान पहुंची। यहां उन्होंने मंच पर जाने से पहले रैली में आए कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जनसभा में अपने भाषण के दौरान प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपनी तरक्की की। आज भाजपा का एक ही सिद्धांत है, सत्ता में रहना, बस किसी भी हालत में कैसे भी सत्ता में रहना, यही है। प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता से वादा किया कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में 1,00,000 नौकरियों की मंजूरी दी जाएगी। यूपी के हाथरस में एक रोडवेज बस से आग की तेज लपटें निकलती हुई दिखाई दी, जिस पर फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी काबू पाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि एटा डिपो की ये बस दिल्ली के आनंद विहार से एटा जा रही थी, तभी हाथरस में एक रेलवे क्रॉसिंग के पास बस में अचानक आग लग गई। जरा सी देर में पूरी बस ने आग पकड़ ली। इस दौरान बस में कुछ लोग भी सवार थे। आग लगते ही बस में हड़कंप मच गया और यात्रियों ने बस से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। बस में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, हालांकि हादसे में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी में हुए पुल हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे को लेकर गृह और शहरी समेत कई विभागों को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने 134 लोगों की मौत पर 14 नवंबर तक जवाब मांगा है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द को लेकर विवादित बयान दिया। सतीश जारकीहोली ने कहा कि हिंदू शब्द भारत का नहीं है और विदेशी शब्द को हमारे ऊपर जबरन थोपा जा रहा है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जीत का दावा किया। ऊना में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है। कानपुर के पनकी में पान मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसमान में दूर तक काला धुआं फैल गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्वालियर में सड़क पर बर्थडे मना रहे युवक आपस में ही भिड़ गए। पहले बर्थडे बॉय ने केक काटा और फिर नशे में धुत दोस्तों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और आज दिल्ली वालों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। हवा की दिशा बदलने से राजधानी में प्रदूषण के स्तर में लगातार तीसरे दिन सुधार हुआ। फिर भी राजधानी में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब की श्रेणी में ही बना हुआ है। हालांकि आज किसी भी इलाके का AQI 400 के पार नहीं गया। दिल्ली का आज का औसतन AQI 335 है, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि जो दिल्ली NCR का AQI था वो 400 के पार जा रहा था, जो कि गंभीर की श्रेणी में आता है। इसी कारण राजधानी में कई दिनों से धुंध की चादर छाई हुई है। हालांकि प्रदूषण का स्तर गिरने के बाद आज विजिबिलिटी में कुछ सुधार देखने को मिला। दो दिन पहले ये चादर और घनी थी और अक्षरधाम पूरा ढक चुका था। आज अक्षरधाम थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। गाड़ियां आपको छोटी नजर आ रही होंगी, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं। अब भले ही विजिबिलिटी बढ़ी हो और प्रदूषण का स्तर थोड़ा गिरा हो, फिर भी दिल्ली हरियाणा के दारूहेड़ा के बाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। इसी कारण आज भी लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कतें हैं और इक्का दुक्का लोग ही आज सुबह सैर को निकले। जो लोग बाहर आए भी उनमें भी डर का माहौल दिखा। सुबह मैं 6 बजे डेली जाता हूँ दौड़ने घूमने, अभी थोड़ा डर लगने लगा है कि जाऊँ या ना जाऊँ, थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को आंखों में जलन और कफ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कफ भी बन जा रहा है इससे, जो है इस धुंध से जो है, और आंखों में जलन से जलन सी महसूस हो रहा है। प्रदूषण से उन लोगों को भी दिक्कतें आई जो दिल्ली घूमने आए हैं। समय में तो पॉल्यूशन बहुत कम है, पर मैंने देखा कि यहाँ जो मैं सांस लेने के लिए बहुत कष्ट होता है।